और इस तरह से खाली कागज लेके बैठे रहिएगा। नियोजित शिक्षकों ने बिहार का क्या हाल किया हुआ है ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। दूध का चला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। बहाली पूरी मुस्तैदी से होगी, जैसे पहले बहाली होती थी वैसे बहाली नहीं होगी। दबाव मत बनाइए। आज के इस पर एसपी सिंह साहब मंच पर उपस्थित बेगूसराय के पटना में सिर्फ हम शिक्षा पे एसपी से देने से सुधार नहीं जाएगा। बहुत जरूरी है जो कि अभी 94,000 शिक्षक बहाल जो है वो रुका हुआ है। अगर उसको हम 100 समय पूर्ण कर दें, यानी जो निर्धारित डेट है वो तो डेट पे डेट निकला ही जा रहा है। अगर वो एक सीट पर कार्य करें और जल्द ही अब ओपन कैंप से हम लोग को नियोजन पत्र हाथ में दे दें, इसके लिए जल्द से जल्द कॉन्सिलेटर जारी करें। और यहाँ पर जो हमारे बेगूसराय भर्ती में जो शिक्षा मंत्री सर आए अशोक चौधरी जी, हम सबसे विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि ये सौगात हम लोग को अभी ही अनाउंसमेंट कर दें। अगर 18 तारीख तक शिक्षक बहाली का जो काउंसलिंग डेट नहीं दिया किया जाता है तो ये 18 तारीख तक जो है इंतजार करेंगे, अपराध मुक्त मजबूर होंगे कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए। हम भी चाहेंगे सरकार से कि अनुरोध हमारा कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो बहाली जल्द से जल्द किया जाए। किसी न किसी को बदलाव बिहार के शिक्षा का क्या हाल करके रखा है, हम पूछते हैं उसके जिम्मेदार क्या हम हैं क्या कि वो लोग बहाल करके रखे हैं, उसका जिम्मेदार वो है ना कि उसका जिम्मेदार हम हैं। बीएड डीएलएड कोर्स ही क्यों है? अगर बीएड डीएलएड कोर्स करके आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में तो बीएलएड डीएलएड कोर्स को खारिज कर दिया जाए। बीएड कॉलेज क्यों है, डीएलएड कॉलेज क्यों है बिहार में? सब चीज को हटा दिया जाए, सीटेट को खारिज, सीटेट को खारिज, सब कुछ को हटा दिया जाए। यहाँ हर एक एग्जाम लिया जाता है, सबको कैंसिल कर दिया जाता है। कैसी शिक्षा नीति है यहाँ पे? और शिक्षा नीति के बारे में शिक्षा मंत्री स्मार्ट बन रहे हैं यहाँ पे आके, भाग भी जाते हैं मुंह छुपा के, हम लोग को बात भी नहीं सुनते हैं। ये कैसे शिक्षा मंत्री है मेरे समझ से तो बाहर की बात है। क्या नाम हुआ? भागे रूपाली कुमारी बरौनी। हम लोग आपके साथ आपको समय देने के लिए तैयार है, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज जीडी कॉलेज में शिक्षा मंत्री जी आए हुए थे, हम लोग शांतिपूर्वक अपना बात कहने के लिए खड़े हुए थे। यहाँ पे शिक्षा मंत्री का बयान शिक्षकों के प्रति बहुत ही खराब रहा। उन्होंने बोला शिक्षा नियोजित शिक्षक जितने हैं वो पढ़ाते ही नहीं, तो सर पढ़ाते नहीं है तो ये हमारी गलती है या आपकी गलती है? आप ही ने उनको बहाल किया है। अगर वो नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें हटा दें, इसमें हमारी क्या गलती है? हम लोग तो अभी सीटेट क्वालिफाइड फाइट किए हैं, उसके बाद डीएलएड करके सारा करके आए, तो हम लोग का बहाली में इतना लेट क्यों हो रहा है? और उसके बाद उनके बयान से यहाँ के जो जीडी कॉलेज के एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वो भी उग्र हो गए और हम लोग पे हाथ चलाने की कोशिश करने लगे। आपका जो आप लोग जो प्रशासनिक शिक्षा विभाग, हम लोग शांतिपूर्वक अपना कह रहे थे, मांग रख रहे थे और हम लोग को मांग रखने के लिए भी नहीं दिया गया यहाँ के एबीवीपी कार्यकर्ता के द्वारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विवेक राज। व्यवस्था है नहीं, फिर दोहरा के जो है सो बहाली जो है सो खोला गया। एनआईओएस वाले भी आवेदन दिए, उसके बाद जो है सो आवेदन के बाद जो है सो पहले तो औपबंधित मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो रही थी। बार बार जो है सो हम लोग जो है सो ऑफिस तक गए, डीओ ऑफिस गए, डीएम साहब से भेंट किए, धरना दिए, तो औपबंधित मेधा सूची का कार्य जो है सो पूर्ण हो चुका है और ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा जो है सो आश्वासन दिया गया 15 दिन के बाद काउंसलिंग की डेट आएगी, ओपन कैंप के माध्यम से होगा, ये होगा। अभी तक देख रहे हैं कुछ भी नहीं रहा, बस आश्वासन। रंजीत सर आए, वो भी 4-5 बार समय दीजिए हमको, चुनाव के बाद पूर्ण करा दी जाएगी शिक्षक बहाली प्रक्रिया। अब तो चुनाव कब का समाप्त हो चुका है, नई सरकार का गठन भी हो गया है। तो अभी आप लोग की मांगे, मुख्य मांगे क्या है? अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, काउंसलिंग का डेट शीघ्र जारी किया जाए और ओपन कैंप मोड में जो है सो बहाली हो, ताकि लगभग सभी अभ्यर्थी जो है सो जॉब हासिल कर सके। आप संघ के? हम संघ के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। और हम लोग का एक और मांग है, सरकार अगर शीघ्र बहाली पूर्ण नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन कर देंगे और तीव्र आंदोलन होगा इस बार।
आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि 3 साल से बेरोजगार है हम लोग, काम छूट गया है हमारे बहुत सारे साथी का, जो स्कूल में या कहीं अन्य जगह कार्य करते थे, बीवी बच्चा है बहुत के पास, बहुत भैंस बेच के पढ़ा है, जमीन बेच के पढ़ा है, बीएड का पता है ना सर आपको, 2.5 लाख रुपया बिहार में खर्च है बिहार में बीएड करने का, क्या है कि सरकारी संस्थान तो है नहीं उतना ज़्यादा, जो सभी लोग वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, तो बहुत लड़का जो है सो आर्थिक रूप से दिवालिया होने पर है उसका, तो फिर क्या होगा, जनता का मूड आप जान रहे हैं, जो सरकार आपकी उतनी मजबूत नहीं है इस बार, 6 सीट मात्र 6 सीट का खेल है, कहीं उपचुनाव हो गया कहीं प्राकृतिक या फिर मानवीय किसी कारण से, काहे कि कुछ लोग समर्थन वापस भी ले सकते हैं आपके रवैया से, तो फिर जानिए क्या होगा, छात्र सड़क पे आ जाएंगे, चंदा इतना ज़्यादा चंदा जमा होगा आपके विरुद्ध ताकि एक नई सरकार का गठन हो सके, और विपक्ष ज़्यादा कमजोर नहीं है, तो आप समझ लीजिए फिर क्या होगा, आंदोलन ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा।